चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। है दादा के हत्यारों को कल धोखे से विश्वासघात कर हमारे कोहिनूर समाज के बड़े हमारे आगेवान की हत्या कर दी गई, और कल से आज तक यहाँ हजारों की संख्या में समाज और सर्व समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और मांगे भी रख दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब वहां से आया नहीं है। अब हम लोग जल्द ही यहां से जो राजभवन है गवर्नर हाउस के ओर पहुंच करेंगे और इन मांगों को मनवा के ही इस मैदान को छोड़ेंगे। और हमारी जो मांग है, हमारी एक ही मांग है कि जो हत्यारे थे और जो भी सूत्रधार थे उनका एनकाउंटर ही हमें चाहिए, क्योंकि उन्हें संविधान का डर ही नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्या है। और वो तो वैसे भी देश के गद्दार ही हैं, वो तो आतंकवादी हैं, सालों से हत्याएं करते आए हैं, तो उनको गिरफ्तार करने से अच्छा है उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। हम लोग करणी सेना अपनी एक गैंग सक्रिय कर रही है, करणी सेना गैंग के तौर पे पूरे भारतवर्ष में काम करेगी। हम सरकार और प्रशासन को मौका देंगे, लेकिन उसके बाद जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम मैदान में उतरेंगे और हम इनको बिलों में से निकालेंगे, क्योंकि ये नपुंसक, ये डरपोक बिलों में छुप के ये हत्याएं करवा रहे हैं। इन हत्याओं का अब अंत लाएंगे, क्योंकि इन्होंने सुखदेव सिंह गुगा मेडी की छाती पे नहीं, हमारे क्षत्रियों की छाती पे गोली मारी। इसका जवाब क्षत्रिय इन बड़ों को अवश्य देगा और अब गैंग हमारी काम करेगी। और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी होगा, आवश्यकता पड़ी तो संसद दिल्ली का भी घेराव होगा, और यदि न्याय नहीं मिला तो जिस तरीके से राजस्थान में हम लोगों ने कहा था, एक नारा लगाया था कुछ सालों पहले, कमल का फूल हमारी भूल, जरूरत पड़ी तो केंद्र के लिए भी लोकसभा में यही नारा गूंजेगा यदि न्याय नहीं मिला। तो ये भारत का जो मेरा क्षत्रिय है ये भाजपा को वोट नहीं करेगा यदि न्याय नहीं मिला। तो सुन लेना कान खोल के, विधानसभा में तो आपकी जीत हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना लोकसभा में हम आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। तो ये आपको सुनिश्चित करना है और न्याय स्थिति सिर्फ आपको देना है। हम या तो विजय या तो वीर गति को ही समझते हैं और हम न्याय लेके ही दम लेंगे।